श्रीगंगानगर में एक प्रेमी जोड़े को घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लड़की के घर वाले दोनों की जान के पीछे पड़े हैं। हालात ये हैं कि दोनों को थाने में पनाह लेनी पड़ रही है। एक मेरे पापा और एक मेरे भाई और एक मेरे पापा को धर्म भाई बनाए रविंदर वो मन खतरो है और धमकी भी दी है अभी तेरे अब दो दिन तो पुलिस की सुरक्षा में रह लोगा कभी तो पुलिस भी थाने भी एकला छोड़ेगी मैं चट्टी मार देवांगा थाने। सुना आपने, आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश करती पूनम को खतरा है अपनों से। उसने राजेंद्र से प्रेम विवाह क्या किया कि पिता भाई और रिश्तेदार सभी जान के दुश्मन बन गए। हालत ये है कि मौत बनकर पीछा कर रहे अपनों से बचने के लिए दोनों ने एसपी से पनाह मांगी। मैं पूनम को 8 साल से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, तो इसलिए आज हमने गुरुद्वारा में जाके मैरिज कर ली है। तो जो उनकी फैमिली है वो इस मैरिज से सहमत नहीं है और वो हमें जान से मारने का धमकी दे रही है। वो हमें धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे कि अगर आज तो तुम्हें पुलिस छोड़ आएगी, अगर दो दिन अपने पास रह लेगी उसके बाद तो तुम आओगे हम तुम्हें जान से मार देंगे। शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन अगर ये शुरुआत डर के साए के साथ हो तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। फिलहाल तो दोनों पुलिस के संरक्षण में हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इनको अपनाए और सुरक्षा दे रहे, पूरी सुरक्षा दे रहे। धमकी धमकी मिली है साहब इनको, इन्होंने दिए एप्लीकेशन दिए है एसपी साहब को, उसके आधार पर जांच करके जिन्होंने धमकी दी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दो तीन लोगों को पाबंद करने का, उनको पाबंद जिन्होंने धमकी दी उनको पाबंद करवाएंगे, उनको पूर्ण सुरक्षा देंगे। पूनम और राजेंद्र जब तक पुलिस के संरक्षण में हैं तब तक तो जान सलामत है, लेकिन अगर पूनम के घर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न हुई तो कहीं ऐसा न हो कि दोनों झूठी शान की भेंट चढ़ जाएं। सतवीर सिंह, समय राजस्थान, श्रीगंगानगर।